हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि यहाँ के नागरिकों को अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इन बातों पर तो हम सभी का ध्यान आए दिन चला जाता है, लेकिन इस उद्देशिका में एक बात और कही गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान को अपनाया गया है। यानी हम सभी की ये ड्यूटी है कि हम अगर संविधान को अपना आदर्श मानते हैं तो देश में भाईचारा बढ़ाने का काम करना होगा। और इस बात को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं वाराणसी के हाजी इरशाद अली। नमस्कार, मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। दरअसल इरशाद ने एक सफेद कपड़े में भारत के संविधान को लिखकर इसे इतिहास में जगह दे दी है। 53 वर्षीय हाजी इरशाद अली ने माँ गंगा की शुद्ध मिट्टी से एक सफेद सूती कपड़े पर भारत के संविधान को लिखने की शुरुआत कर दी है। इसे पूरा करने के लिए करीब 5 से 6 साल का वक्त लग जाएगा, जिसके लिए वे दिन में 5 से 6 घंटे का समय इस काम को जरूर देते हैं। इस अनोखे कार्य में इस्तेमाल होने वाले सामान को इरशाद खुद ही इकट्ठा करते हैं। वे बाढ़ के बाद गंगा से मिट्टी लेकर आते हैं, इसे सुखाकर मिक्सर में बारीक करते हैं। इसके बाद वह मिट्टी पूरी तरह से लेखन के लिए तैयार होती है। कपड़े पर मिट्टी के रंग को सुनहरा बनाने के लिए उसमें केसर का मिश्रण किया गया है। लंबे समय तक कपड़े पर मिट्टी की पकड़ बनी रहे, इसके लिए वह खाने में इस्तेमाल होने वाले गोंद की कुछ मात्रा का भी इस्तेमाल करते हैं। लेखन के शानदार काम की शुरुआत इरशाद ने सूती कपड़े पर उर्दू में कुरान लिखने से की थी। इसके बाद वह चर्चा में तब आए जब उन्होंने 30 मीटर कपड़े पर गंगा की मिट्टी और पानी के उपयोग से श्रीमद् भगवत गीता को लिखने का काम शुरू किया। उन्होंने अपने धर्म गुरुओं से इसके लिए सलाह भी ली थी। इसका खास उद्देश्य समाज में धार्मिक सौहार्द की भावना को बढ़ाना था। वे चाहते थे कि उनकी लिखी श्रीमद् भगवत गीता को संसद में प्रदर्शित किया जाए। इरशाद बताते हैं कि जब वह 14 साल के थे तब उन्होंने कफन डालने के लिए गवाही लिखना शुरू किया था। यहाँ से लिखने के प्रति उनका शौक बढ़ता गया और फिर उन्होंने कपड़े के टुकड़े पर पवित्र कुरान लिखने का फैसला कर लिया। इसमें पवित्र स्याही को बनाने के लिए गंगा नदी का जल, जमजम कुएं का पानी और केसर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताएं कि धार्मिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह का कदम उठाना चाहेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।